हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। ऑल इज़ हियर बाय प्रिया। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, वो भी सुहाना मसाले के संग। और ये बहुत ही इजी बन जाएगी अगर इस मसाले के साथ बनाएंगे, वो भी सुहाना मसाले। और बिल्कुल जैसे आप ढाबे या रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने खड़ी उड़द की दाल ली है साबुत, जो मैंने लिए 250 ग्राम। यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल, जिसे मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। अब इन्हें मैंने फुला लिया था 3 से 4 घंटे के लिए और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इन दोनों दाल को अच्छे से मिक्स करके हम बनाएंगे। आप चाहें तो चने की दाल की जगह पर राजमा भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने दोनों दालों को ऐड कर दिया है। अब इसमें हम दाल में पानी ऐड करेंगे 1 कप, यानी कि पानी हमारा दाल से ऊपर होना चाहिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे और 5 सीटी आने तक इसे पकाने देंगे। तो 5 सीटी बाद देखिए मैंने इसे पका लिया है। दाल हमारी बहुत अच्छे से घुट गई है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हुई है। तो इसी तरह से हमें इसे पका लेना है। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी ऐड कर सकते हैं घी की जगह। घी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसी में हमने 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड किया है, जो कि बहुत अच्छे से चटक गया है। अदरक बारीक कटी हुई स्लाइस में ऐड की है, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप अदरक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे बारीक चॉप्ड कर लिया है। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, जिसकी प्यूरी बना दी है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ और इसे थोड़ा सा थिक होने तक के पकाएंगे अच्छे से, ताकि मसाले बहुत अच्छे से भून जाएं। यहाँ पर मैंने 2 पिंच हींग ऐड की है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें 1 चाय का प्याला भरकर मिल्क ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने दाल मखनी मिक्स मसाला लिया हुआ है, वो भी सुहाना का। तो चलिए यहाँ पर हम इसे ऐड कर देते हैं। 1 पैकेट से आप 2 बार दाल मखनी बहुत अच्छे से पका सकते हैं। तो चलिए इसे दूध में अच्छे से फेंट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे दूध में अच्छे से फेंट लिया है और इस मसाले के साथ अच्छे से ऐड कर देते हैं। और इसे हम चलाते हुए पका लेंगे थोड़ी देर तक, यानी 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर और ये जो दाल हमने बनाई थी इसे ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हम 10 मिनट तक इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बटर ऐड किया है और इसे भी दाल के साथ पकाएंगे, ताकि दाल मखनी का जो टेस्ट होता है ना, सिर्फ इसी से आता है, बटर से। तो यहाँ पर हम इसे 5 मिनट तक इसी में पका लेते हैं अच्छे से, थोड़ा ड्राई होने तक के। तो देखिए यहाँ पर दाल हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बाउल में सर्व कर लिया है और मैंने 50 ग्राम बटर और ऐड कर दी है इस तरह से स्लाइस में। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर क्रीम ऐड कर देते हैं और धनिए से इसे गार्निश कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल हमारी यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनकर घर पर सिर्फ 30 मिनट में तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी अपने घर पर इस तरह से एक बार दाल मखनी बनाकर ज़रूर ट्राई करिए और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल का ऑप्शन है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।